आदम नाजरीन सियासत टी वी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं के बी जानी आपका इसकबाल करता हूँ नाजरीन हैदराबाद फ़रखंदा बुनियाद को तहजीबी व सकाफती लिहाज से बड़ी अहमियत हासिल रही है यहाँ के फनकारों ने अपनी खुदादा सलाहियतों से मुख्तलिफ ज़ुमरों में अपना मुकाम बनाते हुए हैदराबाद का नाम रोशन किया और अपनी फनकाराना सालाइयतों की बुनियाद पर जिंदा जावीद भी बना दिया ऐसी ही मोतबर व नामवर हस्तियों में एक नाम दावर खान का भी आता है मिमिक्री आइटम्स यानी आवाज़ों की नखाली करके बेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट का अवार्ड हासिल किया इन्हें 40 से ज़ायद आवाज़ों की हूबहू अंदाज में नखाली करने का मलका हासिल है जिससे शायक दमबखुद हो जाते हैं और दादो तहसिन से नमाजते हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अलावा वो बर सगीर में अपने हुनर का जलवा बिखेर चुके हैं और लोगों का दिल जीत चुके हैं दावर खान को ये एजाज़ हासिल है कि वो मिमिक्री के अलावा एंकरिंग कॉमेडी और गायकी में भी महारत रखते हैं यही वजह है कि वो आज हर शो की जीनत बने हुए हैं और वो एक फिटनेस सेंटर भी चलाते हैं और कई नौजवानों को ट्रेनिंग भी देते हैं वो बहुत जल्द डार्क साइड ऑफ जिम के नाम से एक शॉर्ट फिल्म के जरिए अदाकारी के जौहर दिखाएंगे तो आइए मुलाकात करते हैं मल्टी टैलेंट आर्टिस्ट दावर खान से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी खास बातें आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में दावर खान साहब बेहद शुक्रिया के वी जानी साहब इस नाचिस को आपके इस खूबसूरत से स्टूडियो में बुलाने के लिए और आपकी देख रही तमाम नाजरन को आदाब अर्ज है आदाब अर्ज है वालेकुम हैदराबाद जी जी आ, शुरुआत आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर बताइए जी देखिए फैमिली बैकग्राउंड तो मेरा ऐसा रहा है कि कोई भी जो है ना फैमिली से जो है ना स्टेज या फिल्म इंडस्ट्री से या कोई भी कल्चरल एक्टिविटी से जुड़े नहीं थे आ, मेरे वाली साहब मरहूम मोहम्मद जब्बार साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हेड कैशियर थे और हमारे वालदा जो है ना हाउस वाइफ और हम आ, तीन बहनें दो भाई हैं और बस जो है ना ऐसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली अलहमदिल्ला तो ये शौक़ तो जो है ना बस स्कूल पेरीड से ही जो है ना बचपन से जी जी आ, मेरे को था कि मैं जो है ना मिक्री करूँ कॉमेडी करूँ लोगों को देखते हुए जो है ना मेरे को भी इंटरेस्ट आता था कि भाई मैं भी एक्टिंग करूँ मतलब आपको बचपन से ये शौक़ रहा कि भाई आप किसी की नखाली करें या फिर किसी का मजाक उड़ाएँ या क्या चीज़ें आपके जहन में आती थी देखिए रही बात मजाक उड़ाने की मैं मजाक उड़ाने की नहीं से तो कोई कॉमेडी नहीं करता था बस लोगों को एंटरटेन करना आ, मेरा शौक़ शुरू से तो जब कभी भी जो है ना मैं किसी की नकल उड़ाता था यानी कि किसी को कॉपी करता था तो लोग खुश होते थे लोग अप्रिशिएट करते थे कि अरे हाँ बिल्कुल सही कॉपी की तुमने सही इमिटेट किया उनको अरे सही आवाज़ निकाला तो ऐसे ही शुरू से जो है ना बचपन से शाबाशी मिलती गई तो शौक़ और बढ़ता क्या घर में जो है ना पुराने एक्टर्स की जो है ना देवना की हाँ क्या बात है क्या बात है बोल के इस तरह से कुछ अंदाज़ में मैं करता था हमारे जान वालदा हमारे बहुत खुश होते थे अरे अच्छा कर रहा अच्छा। तो ऐसा घर के ही माल से जो है ना एक इंक्रेजमेंट मिला घर से उसके बाद दोस्त रिश्तेदार फ्रेंड्स करते करते जो है ना अलहमद अच्छा अच्छा दावर खान साहब इसकी जो शुरुआत हुई तरह आपने बताया आप अपने घर में अपने वालदा मोहतरमा को या फिर आपके घर वालों को मिमिक्री सुनाया करते थे लेकिन वो पहली कौन सी आवाज़ अगर आपको याद आता हो तो कौन सी आवाज़ आपने इमिडियट की थी हाँ वो उस पीरियड में उस दौर में जो है ना मैं शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ बहुत निकालता था पहले अच्छा हाँ तो शत्रुघ्न सिन्हा हो गए आपके जगदीप हो गए फिर देवानंद साहब हो गए एक 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 करते करते जो है ना अलहमदिल्लाब करीब चालीस कैरेक्टर्स चारी तक चालीस एक्टर्स की आवाज़ें जो है ना मैं निकालना शुरू किया तो चले काट बजे को राख कहते हैं जिस राख से बारूद बनता है उसे के भी जानी कहते हैं खामोश मत बैठिए देखते रहिए हमारा शो हाँ। इस तरह आपने शुरुआत की लेकिन बाबा आपने करियर की इब्तदाई दौर की बात अगर हम करें तो पहला कौन सा शो रहा होगा यानी स्कूल के पीरियड से ही आप शुरू हो गए थे या फिर कॉलेज में आने के बाद या फिर कैसे ये शुरुआत हुई जी जानी भाई ये बहुत अहम सवाल है मेरे लिए पहला कौन सा शो रहा तो मुझे आज आज भी याद है मेरे को हमारे स्कूल में एनअल डे फंक्शन था तो स्कूल के हद हाँ तक ही घर के हद हाँ तक ही मैं मेमिक्री कॉमेडी क्या करता था तो उस एनुअल डे फंक्शन में हमारे प्रिंसिपल को हमारे फ्रेंड्स लोगों ने बताया कि भाई मिमिक्री बहुत अच्छे करते हैं एक्टिंग करता है इन्हें एक्टर्स की जो है ना कॉपी कर कॉपी करते, है। करते हैं स्टेज पे इनको चढ़ाना है कैसा भी इनको जो है ना एक टाइम देना चाहिए तो उस दौर में जो है ना बाब मोहन तेलुगू फिल्मों के जो है ना बड़े ही टॉप के कॉमेडियन थे तो वो आ रहे थे हमारे पास एज ए चीफ गेस्ट अच्छा तो हमारे प्रिंसिपल ने हम को रेडी कराए यानी बोले कि भाई हाँ ये करना है आपको एक दस पंद्रह मिनट का एक्ट आपका रहेगा बहुत एक्साइटेड था और एक किस्म की झिझक भी थी घबराहट भी थी बहुत नर्वसनेस भी थी क्योंकि पहली बार स्टेज पर चढ़ रहा हूँ तो आप यकीन मानिए वो पंद्रह बीस दिन से फुल रिहर्सल चल रही प्रैक्टिस चल रही तमाम एक्टर्स की जो है ना वो बहु वॉइस निकाल रहा हूँ मिमिक्री कर रहा हूँ उन लोगों की बस कल प्रोग्राम में समझिए आज मेरे को 102 103 बुखार आ गया अरे इतना हाई टेम्परेचर नर्वसनेस से परेशान से यानी हैबत से और अब स्टेज पे चढ़ना है कैसा होगा बोलेंगे अच्छा। तो दवाई वगैरह लिए करे फिर उसके बाद में जो है ना फिर मैं करा अलहमद शुरुआत में जो ना थोड़ी सी नर्वसनेस हुई थोड़ा सा डर हुआ घबराहट हुई लेकिन फिर मैं दवाई वगैरह ले कर राइट होकर नेक्स्ट डे स्टेज पर चढ़ा और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला मेरे को क्योंकि बहुत बड़े ग्राउंड में जो है ना ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे थे एनुअल डे फंक्शन तो स्कूल के सारे टीचर्स लेक्चरर्स और सब लोगों ने जो है ना पसंद किया माशा तो काफ़ी सारे लोगों की शाबाशी मिली फिर बाब मोहन सर से भी जो है ना एवॉर्ड मिला तो अच्छा। वहाँ से जो है ना थोड़ा सा और हिम्मत आ गई कि हाँ भाई कर सकते हैं हम स्टेज पे भी जो है ना आगे बढ़ सकते हैं बल्कि वहाँ से स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाई हल्लू हल्लू फिर जो है ना अपनी इस टैलेंट को भी निखार देगा लेकिन दावर साहब एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा वो ये कि स्टैंड अप कॉमेडी हो या एंकरिंग ये लफ्ज़ों का खेल होता है फिर ये लफ्ज़ों का चुनाव या फिर ये सीखना वो किस तरह आपने आगे बढ़ाया उस बारे में बताइए देखिए जानी साहब कोई भी काम करने के लिए ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है ठीक है तो मैं जिन जिन को जो भी मेरे फेवरेट एक्टर है या जो भी कॉमेडियंस है इन लोगों को मैं बड़े गौर से ऑब्ज़र्व करता हूँ अभी भी देखता हूँ मेरे काफ़ी सारे फेवरेट फेवरेट एक्टर्स के मूवीज़ हो चाहे कोई भी प्ले हो या कोई थिएटर शो हो प्रोग्राम हो तो मैं देखता हूँ देख के सीखता हूँ देख के फिर प्रैक्टिस करता हूँ रियर्सल करता हूँ उसके बाद में फिर जब कॉन्फिडेंट आया था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ उसके बाद करता हूँ अच्छा लेकिन एक चीज़ है कि जहाँ तक मिमिक्री का ताल्लुक़ है ये मिमिक्री हैदराबाद में उतना ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया गया उतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते उसके बावजूद भी आप लगे हुए हैं इसकी वजह क्या है इसकी वजह एक ही है कि भाई अगर आपको कोई चीज़ करनी है अगर आप में दिलचस्पी है सच्चाई से लगन से मेहनत से आप वो चीज़ कर सकते हैं तो उसके पीछे जी जान से लग जाओ अच्छा आज निकल आपको कामयाबी बराबर मिलेंगे ये मेरा मानना है ये मेरी थिंकिंग है और इसी से जो है ना मैं इसी बात को दिमाग में रखते हुए जो है ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ और काम करते जा रहा हूँ अलहमदिल्ला जहाँ पर भी जाता हूँ जो भी शो करता हूँ अच्छा रिस्पॉन्स आता है पब्लिक खुश होती है लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत के साथ पूरा इन्वॉल्व होकर इस काम में जो है ना मैं करता हूँ नहीं जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपकी आवाज़ें लोग सुनते हैं तो आपको तालियों के ज़रिए आपके इरादों को एक हौसला देते हैं कभी ऐसा होता है कि भाई कोई लोग आपकी मिमिक्री सुन के बिल्कुल खामोशी अख्तियार किए हों तब आप क्या करते हैं आपका रिएक्शन क्या होता है हाँ बड़ा गहरा सवाल है ये आपका एक्चुअली शुरुआत में ऐसा होता था अभी तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन शुरुआत में जब मैं स्टेज पे या कहीं भी किसी प्रोग्राम में परफ़ॉर्म करता तो पब्लिक का उतना अट्रैक्शन नहीं मिलता था पब्लिक उतना गौर से नहीं सुनती थी कोई भी काम करने के लिए जो है ना आपको मैं जैसा कि अभी बताया कि आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व होना है अपने आपको बॉडी लैंग्वेज आपका एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है तो अगर आप अच्छी तरीके से एक्सप्रेशन करते हुए बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा रहा तो बराबर जो है ना आपको पब्लिक का अटेंशन भी मिलेगा और वाह वही भी मिलेगी लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए जो है ना कोई मायने नहीं रखता पब्लिक की तालियाँ या पब्लिक की खामोशी जी आर्टिस्ट को जो है ना अपना काम करते रहना है हो सकता है कि भाई हज़ार का मजमा हो लेकिन उसमें से कोई भी ताली ना बजाए तो भी आपको जो है ना ये नहीं होना है कि डिप्रेशन में नहीं चले जाना है कि अरे भाई पब्लिक आज मेरा शो शोपन है हाँ क्यों नहीं करी उसमें जो है ना आपको इम्प्रूवमेंट लेके आना है ये नहीं लेकिन दावर साहब एक आर्टिस्ट जो होता है वो ताली का भूखा होता है एप्रिसिएशन का भूखा होता है क्योंकि वो जो अपना फ़न दिखा रहा है लोग अगर उसको पसंद नहीं कर रहे हैं फिर आपने कहा कि भाई बकौल आपके लगे रहो जी चाहे सुनो रिस्पॉन्स आओ या ना आओ ये कैसे मुमकिन है मुमकिन नामुमकिन की बात नहीं है जानी साहब अगर आप अपना काम एक अच्छे अंदाज में पेश करेंगे पब्लिक को तो ये सवाल ही पैदा ना होता कि पब्लिक का अट्रैक्शन आपकी तरफ ना हो और पब्लिक आपको वाह वाही ना करो सवाल ही पैदा ना होता दस में से एटलीस्ट एक, एक चार लोग तो आपको बराबर पसंद करेंगे नहीं जिस तरह आपने बताया कि भाई अगर मान लीजिए तालियां नहीं भी मिल रही हो रिस्पांस नहीं भी मिल रहा हो लेकिन आप सुना ही जा रहे हैं तो उस बारे में मैंने आपसे अर्ज किया था कि भाई अगर आपको वाहवाही नहीं मिलती हो तो तब आपका रिएक्शन क्या होता है तो मैं पब्लिक के लिए ताली बजा देता हूँ ऐसी जगह तो आपको तो करना ये है कि भाई आपका आइटम को तब्दील करना पड़ेगा ना देखिए जो आवाजें आप सुना रहे हैं अगर लोग आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो आपको आवाज चेंज करना पड़ेगा आ, वैसे दावर साहब हम बहुत सारी बातें आपसे जरूर करेंगे अभी हमारे ऑडियंस के लिए कुछ आवाजें आप जरूर सुनाए जी हाँ बिल्कुल तमाम देखने वाले नाजरीन के लिए जो है ना कुछ फिल्म एक्टर्स की आवाजें मैं निकालूंगा लेकिन एक शर्त पर आपको उन कैरेक्टर्स के नाम बताने पड़ेंगे उन एक्टर्स के नाम बताने पड़ेंगे ज़रूर <laughs> <laughs> मारो मारो मारो, घर बैठे बैठे जोरदार ताली मारो क्योंकि हैदराबादी सितारों में मैं आ गया हूँ के भी जानी के साथ <laughs> क्या बात है ओम प्रकाश अरे वाह क्या बात जली का राख कहते हैं जिस राख से बारूद बनता है उसे विश्वनाथ कहते हैं खामोश। शत्रु आओ छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बलमाओ आओ प्यास काट के। शक्ति कपूर वेरी स्मार्ट बॉय सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है मोना डार्लिंग इस शहर में मेरी वही हैसियत है जो जंगल में एक शेर की हुआ करती है क्या बात है साहब अजीत साहब क्या बात आप जानते हैं कि मैं जारी भाई के साथ आर्जी सितारों में आ गया हूँ <laughs> <laughs> क्या बात है जीवन साहब <laughs> तो <भार laughs> आ, बड़े जबरदस्त आवाजें आप इमिटेट कर रहे हैं आ, और भी बहुत सारी बातें आपसे हम करेंगे और बहुत सारी आवाज़ें आपको निकालने बाक़ी है हमारे ऑडियंस के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूँ तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तर से वक्फ़े के बाद नाजरीन सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें मुशायरे मज़हबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी तो प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर ऐसी डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास् टेलीकास्ट भी देख सकते हैं यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुँच सके वक्फ़े के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के जाने माने मिमिक्री आर्टिस्ट सिंगर कॉमेडियन और बहुत अच्छे एंकर दावर खान साहब दावर खान साहब ब्रेक से पहले आपने करियर की इब्तदाई दौर की बातें बताई और मिमिक्री किस तरह आपने शुरुआत की थी उस बारे में बताया लेकिन मिमिक्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है आ, मैं उससे जुड़ता हुआ एक सवाल यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो मिमिक्री करते हैं आवाज़ों की नखाली करते हैं देखिए एक आवाज़ जिसमें आप जान डालते हैं फिर उसके बाद उसको पेश करते हैं कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ को निकालना उसको प्रेजेंट करना उस बारे में बताइए मुश्किल तो होता है कि भी साहब क्योंकि सडनली जो है ना ऑल ऑफ सडन स्टेज पे जो है ना हम जो है ना कभी कभी पब्लिक की डिमांड पे जो है ना कोई बोलते थे भाई शाहरुख खान की मम्मी की करिए कोई बोलते अजीत साहब की करिए कोई नाना पाटेकर का फ़ैन कोई सनी देवल के कोई धर्मेंद्र के तो ऑल ऑफ सडन स्टेज पर जो है ना टाइम नहीं रहता आपके पास बैक टू बैक वॉइस चेंज करना पड़ता तो बाद वक्त जो है ना थोड़ी सी परेशानी आती लेकिन लेकिन प्रैक्टिस में जब हम रहते हैं रियर्सल्स करते रहते हैं तो उसमें जो है ना बड़ी आसानी हो जाती है आराम से जो है ना एक फ्लो में आ जाते हैं काम करते करते है, ऐसा है। नहीं लेकिन एक बात है देखिए आप जो मिमिक्री करते हैं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वॉइस कौन सी लगती है आपको सच बताऊं मैं आपको जी नाना पाटेकर की वॉइस की मिमिक्री करने के लिए करीब एक महीना जो है ना मैं दिन रात बहुत मेहनत करा जब क्रांतिवीर फिल्म आई थी उसके बाद में जो है ना उसका जो डायलॉग पॉपुलर हुआ था <laughs> आगे से मेरी मौत का तमाशा देखने तो इस पूरे डायलॉग को जो है ना दो पेज का डायलॉग पेपर पे लिख के जो है ना दिन रात दिन रात पढ़ते गया याद करते गया उसके बाद में पेपर फेंक के मैं शुरू हो गया फिर फिर शुरू तो हो जाइए तो यहाँ पे भी <laughs> फिल्म क्रांतिवीर का डायलॉग है देखिए आगे से मेरी मौत का तमाशा देखने अभी मुझे यहां पे लटका दिया जाएगा और इसी लंबी मेरी मुँह से जमाने के लिए बड़ी बड़ी आंखें अरे कुछ हुई लटकता रहूंगा फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा तुम लोग अपने अपने घर जाओगे थोड़ा खाना खाओगे थोड़ा मेरे बारे में सोचोगे और सो जाओगे अरे तुम्हारी यही ना नाम की और बुजदिल की एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेंगे कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें कुछ नहीं और ये अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को गुलामी करने की आदत पड़ गई है पहले राजे राजा की गुलामी की फिर अंग्रेजों की की अब चंद देश के गद्दार नेताओं की गुलामी कर रहे हो वो तुम्हें मजहब के नाम पे भयकाते हैं तुम लोग एक दूसरे का गला काट रहे हो काटो लेकिन ऊपर वाला भी जब ऊपर से नीचे देखता होगा तो सोचता होगा मैंने दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी वो थी इंसान इंसान मगर नीचे देखा तो सब कीड़ा बन गया कीड़े अरे रेंगो छड़ो और मरो मुझे क्या कौन जिया मालूम नहीं कौन मारा मालूम नहीं सला आ गए खेल खत्म क्या बात है बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त तो इसकी जो आपने प्रैक्टिस की लगातार एक महीना जी लेकिन दावर खान साहब हम जो देखते हैं कि अक्सर जितने मिमिक्री आर्टिस्ट वो ज़्यादातर नाना पाटेकर अमरीश पुरी अमिताभ बच्चन कुछ महदूद आर्टिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं इसकी वजह क्या है क्या इन यही आर्टिस्टों से आपके लोगों में एक पहचान मिलती है या फिर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एक्चुअली क्या है जिन आर्टिस्टों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं आर्टिस्ट जो है ना उन्हीं एक्टर्स को इमिटेट करना पसंद करते हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब घर घर में टीवी पर आप देखते हैं नमस्कार में आपका मित्र अमिताभ बच्चन सीधे कौन बनेगा करोड़पति साहब सभी का स्वागत करता हाई। <laughs> तो क्या है हर घर में हर कोई देखते हैं पसंद करते हैं अमिताभ बच्चन बोलते हैं हर कोई अट्रैक्ट हो जाते हैं वहाँ अच्छा ऐसा नहीं है कि दूसरे एक्टर्स की भी नहीं मैं आपके संजीव कुमार साहब है और आपकी ओम प्रकाश है बिल्कुल वो तो घर तो मैं आगे इंशाल्लाह आपसे बहुत सारी तो, आवाज़ें एक साथ सुनना चाहूँगा लेकिन एक बात है आप काफ़ी दिनों से इस लाइन से जुड़े हुए हैं आ, और फिर आपने खुद तस्करा किया था कि भाई हैदराबाद नवाब जो हैदराबादी मूवी बिल्कुल उसमें भी आपने काम करने के इरादे से गए लेकिन फिर इतफाक ये हुआ कि आप वो फ़िल्म से जुड़ नहीं पाए उस बारे में थोड़ा सा बताइए जी देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिल्म दी अंग्रेज जब आई थी फिल्म अंग्रेज़ है अजीज नसर साहब की जो पहली फिल्म है अपने अ, सलीम फेकू जी तो ये बहुत चली थी तो इसमें जो है ना काम करने का मौका नहीं मिला मेरे को लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टर्स की वॉइस दिया हूँ मैं लेकिन तभी जो है ना हमारे अजीज नसर साहब बोले थे कि भाई हैदराबाद नवाब में मैं आपको कैरेक्टर दूँगा कैसा भी उसमें आप करिए तो अच्छा। मैं और शिवा मामा जो है आर के मामा उनके राइट हैंड थे अच्छा तो मेरा अच्छा कैरेक्टर था उसमें कुछ फाइट सीन भी शूट हुए थे और अच्छा। गाने में अभी भी फिल्म में देख सकते हैं आप गाने में हूँ मैं पूरे रावा अच्छा। मावा माटू नरी जो गाना था म, आ, मैं आर के मामा अकबर बिन तबर और आपके शिवा सब डांस कर रहे हैं साथ ग्रुप में उसके बाद में फ़िल्म जैसे आदि भी नहीं हुई थी कंप्लीट वो गाना का शूट हुए बाद में जो है ना मैं मेरे को जो है ना एक ऑफ़र लेटर आ गया था बाहर से मैं किसी एजेंट के पास जो है ना कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह दिया था तो सडनली काम आ गया तो दो रास्ते दो चीज़ दो चीज़ें थी मेरे सामने या तो मैं फिल्मों में काम करूँ यहाँ पर स्टेज पे फिल्मों में या ऑर्केस्ट्रा ये वो या फिर जो है ना मैं बाहर चला जाऊँ तो मैं काफ़ी सोचा सोच सुंच के जो है ना एक डिसीशन ले लिया कि भाई रोज़गार का मसला है अब फिल्में तो आ जाए फिर कल काम मिला नहीं मिला था? एंकरिंग का आज कहा मिला कल नहीं मिला सही तो ये तो अपना शौक है शौक़ के साथ साथ जो है ना कुछ साइड इनकम भी थी लेकिन जो है ना लेकिन मेन चीज़ जो है ना आप घर के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए अपने कैरियर को देखते हुए मैं सोचा कि भाई ये चीज़ को यहाँ स्टॉप करना ज़रूरी है आगे बढ़ना है तो अलहमदिल्ला मैं जो है ना सऊदी अरब चले गया दस साल करीब जो है ना बाहर था मैं शबिर ग्रुप कंपनी में एज ए डिस्पैचिंग इंचार्ज अलहमदिल्ला मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी वहीं पर अच्छा और एक अच्छा अर्सा गुजारा ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं करा मैं स्टेज फील्ड में, में। वहाँ पर भी जो है ना काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करा शोज़ करा जिद्द रिया दमाम और दम जद्दा में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हुए अच्छे अच्छे आर्टिस्ट वहाँ पर आते थे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स थे सऊदी अरब में जो है ना जिद्दा एक ऐसा सिटी है सिटी ऑफ लाइट्स जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हुआ करते थे और इंडियन एम्बेसी में भी जो है ना प्रोग्राम्स करते थे हम लोग काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स बुलाते थे लोग पसंद करते थे बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वहाँ पर भी करा लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है फिल्म वगैरह नहीं बनते इसलिए मैं फिल्मों से दूर रहा लेकिन स्टेज पे अपना काम करता रहा अपना हुनर दिखाता रहा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखारता रहा वाह वाह <laughs> क्या बात है लेकिन एक चीज़ है क्योंकि आपको दो ऑप्शन थे या तो आप अपना कैरियर के तौर पर बाहर चुनाव करें या फिर फिल्मों में या एक्टिंग के जो आप में गुण है वो दिखाएं लेकिन दोनों में आपने वही चीज़ चुनी जो आपकी फैमिली चाहती थी फिर ब्रिटेन आने के बाद आप अपना पूरा शौक़ पूरा कर रहे हैं और अलहमदिल्ला फिर से लगे हुए हैं अभी आप एक माशाल्लाह से जिम भी चलाते हैं और इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी हैं आप वहाँ पर तो एक चीज़ यहाँ पर जुड़ती है वो ये कि दावर खान साहब इतना वक्त आप किस तरीक़े से निकाल पाते हैं देखिए जिम जो होता है उसके टाइमिंग जो होते हैं वो बिल्कुल अलहदा बिल्कुल डिफरेंट होते हैं क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग उसको देखते हुए फिर आप अपना शौक़ भी पूरा कर रहे हैं बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी जुड़े हुए हैं वो किस तरह देखिए साहब जब आपको शौक़ है किसी चीज़ का जुनून है कुछ करने का आप ठान लिए तो जो है ना टाइम भी निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है और जिम का एक ऐसा क्रेज़ है जुनून है शुरू से मेरे को तो उसमें क्या है आपका फ़िटनेस लेवल भी अच्छा रहता आप ख़ुद हेल्थी रहते और दूसरों को भी जो है ना आप फिटनेस की तरफ बुलाते हैं रागिब कर सकते हैं है। और दूसरों को भी जो है ना आप सेहतमंद बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छा पेशा है तो टाइम तो निकालना ज़रूरी है लेकिन प्रोग्राम तो डेली नहीं होते हैं है, है ना शूटिंग तो डेली नहीं होती जब जब स्केजल रहा उस हिसाब से जो है ना अपने आप को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है थोड़ी बहुत मेहनत लगती है स्ट्रेस भी हो जाता है कभी कभी लेकिन करना पड़ता है नहीं ये सारी चीज़ें देखिए जिम के जो औकात होते हैं सुबह पाँच बजे आपको ओपन करना होता है फिर एज ए आप इंस्ट्रक्टर भी हैं खुद आपका जिम खुद है तो वो टाइम आपका शेड्यूल जो होता है पाँच से दस का होता है मॉर्निंग में फिर इवनिंग भी चार बजे से लेकर लगभग दस ग्यारह तक चलता है ग्यारह बजे तक चलता है हाँ, तो उस दरमियान में अगर शोज़ मुसलसिल आ जाए तो कितनी डिफिकल्टी होती होगी हाँ डिफ़िकल्टी तो होती जानी भाई मगर क्या करें अब एडजस्ट करना पड़ता है हमारे असिस्टेंट्स हैं। अच्छा मेरे अंडर में जो ट्रेन हो रहे हैं वो लड़के जो है ना संभालते हैं मेरे एबसेंस में जब आप एज ए इंस्ट्रक्टर देखते हैं आप अपने साथी आर्टिस्टों को तो बहुत सारे हमारे पास आर्टिस्ट है जो बेढ़ब हो गए हैं उनके लिए आप क्या तजवीज़ देते हैं <laughs> देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो है ना आपको ये बताना चाहूँगा और हमारी देखने वाली तमाम नाजरन से ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी फिटनेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है आजकल के इस इतना बिजी स्केजुअल हो गया है हर किसी का चाहे वो ऑफिसर हो चाहे कोई दुकान में काम करता हो चाहे कोई टेक्निकल जॉब करते हो कोई भी हो तो हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है हमारे डेली नीड्स पूरे करने के लिए हम दिन रात लगा देते हैं तो उसमें हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं तो एक घंटा एटलीस्ट फोर्टी फाइव मिनट्स आपको वर्कआउट के लिए निकालना बहुत जरूरी है चाहे आप वॉकिंग करो चाहे किसी करीबी जिम में जाके आप वर्कआउट करें और साथ ही साथ डाइट आपकी गज़ा जो आप ले रहे हैं उस पर आप जो है ना देना तोज्जो देना बहुत ज़रूरी है अच्छी साफ़ सुथरी डाइट घर का बना हुआ खाइए और फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स और हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए मैं यही बोलता हूँ हमारे साथ के तमाम आर्टिस्टों को भी काफ़ी सारे हमारे सेलिब्रिटीज आते हैं अपने पास जिम में वर्कआउट करने के लिए तो उनको भी जो है ना अलहमदिल्ला एक पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ और साथ ही साथ एक अच्छा डाइट प्लान भी बना कर देता हूँ पाँच अच्छा में क्या है अपन भी हेल्थी रहते हैं दूसरे भी हेल्थी रहते हैं और और हमारा काम तो स्टेज का है ना सर तो हमारे को तो जो है ना अपने आप को तो फिट रखना ज़रूरी है प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं तो हमारा जो आखिरी राउंड होता है वो रैपिड फायर यानी चलते चलते का नाम हमने दिया है उसमें तो हम सवाल करते हैं लेकिन आपसे रिलेटेड यानी आप मिमिक्री करते हैं बहुत सारी आवाज़ों की नखाली करते हैं बहुत सारे एक्टर्स की तो मैं नाम बताऊंगा और आपको फौरी तौर पर अपनी कला का अपने फन का मुजहरा पेश करना होगा आवाज़ के ज़रिए बिल्कुल के बी जानी साहब मैं आपको बता दूं कि आपके शो में आकर जो है ना बड़ा ही अच्छा भी लगा और एक किस्म का नर्वसनेस भी था क्योंकि मैं कोई मामूली शख्सियत के सामने नहीं के <laughs> <laughs> बी जानी बोलते हैं तो बड़े दिलचस्प सवाल आपने पूछे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है ना जो भी आपका रैपिड फायर होगा कुछ अच्छे से सवाल करें ताकि बिल्कुल आपकी देखने वाली नाजरीन भी जो है ना एंटरटेन हो बेशक तो आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं सर अमिताभ बच्चन नमस्कार देवी और आप सीधे के, भी जानी के साथ धर्मेंद्र हाँ। दोस्तों शायद आप जानते नहीं कि मेरे हाथ में कितनी ताकत है मैं रोज दस दस पराठे खाता हूँ और बसंती को भी खिलाता हूँ शत्रु राख कहते हैं जिस राख से बारूद बनता है राजकुमार जानी हम राजकुमार हैं हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम आज कुछ करेंगे नहीं सिर्फ आपको हंसाएंगे और गुदगुदाएंगे जानी संजीव कुमार है? मैंने गब्बर का गला था दिया इसलिए मेरे हाथ बहुत गंदे हैं मैं अपने हाथ धोना चाहता हूँ मिथिन चक्रवर्ती ओए किसी मान आदमी ने कहा है कि डिस्को डांस करना बहुत जरूरी है क्योंकि के जानी के साथ आपको हंसाना है कोई शक जीवन आ, हा, 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 पानी कहाँ है पानी कहाँ है मुझे तुमसे बात करने के बाद अब पानी की प्यास लग रही है शक्ति कपूर आओ ताके टेके ताके टेके ललिता डालिंग तुम और मैं मिलकर के जानी के साथ ताके टेके करेंगे आओ असरानी आ, अंग्रेजों के जमाने के जेलर मेरा नाम है अशरानी के भी जायनी दोनों मिलकर मचा देंगे धूम हाहा जगदीप उखाड़ <laughs> के अरे घूसा लगा के अरे मेरा भी नाम सूरमा भोपाली है इसी नहीं कैसे तो मुकुट जी <laughs> रे मैंने शराब भी ना छोड़ दिया रे फिर मैं गिलास दूध पीता हूँ लेकिन सारा दूध में भी शराब का मजा आता है yeah! नाना पाटेकर <laughs> अच्छा है बहुत अच्छा है अरे मैंने कहा बहुत अच्छा है कलम वाली बाई ने भी कहा कि जाने का शो बहुत अच्छा है दिलीप कुमार अरे भाई ये जो प्रोग्राम आता है हैदराबादी सितारे बड़ा ही कमाल का है भाई शाहरुख खान <laughs> इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है साजिश की है पुरी अरे भाई मैं तो समझता था कि तुमसे कभी मुलाकात होगी ही नहीं लेकिन तुम्हारे शो ने ये कमाल कर दिखाया है ऐसी शख्सियत से मिलकर तो दिल से एक ही आवाज आती है खुश हुआ सलमान खान देखिए शायद आप जानते नहीं कि मैं जानी के, के साथ आपको हंसाने के लिए गुदगुदाने के लिए हैदराबादी सितारे में आ गया हूं आ, अभी कॉम्बिनेशन सनी और डैनी एक मजदूर का हाथ है कांतिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है यह ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है तू चाहता है कि मैं तेरे इशारे पर नाचूं तू कहे तो भोकूं तू कहे तो काटूं ऐसा ही समझो तो क्या हुआ रुपया पैसा मिलेगा इनाम मिलेंगे लोग डरेंगे तुमसे लोगों को डराकर वो जीता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कांतिया पड़ेगी संजय दत्त अपन को अरे ये घोड़ा मैगजीन पचास तोला पचास तोला अरे रघु बोलता है रघु अरे पूरे हैदराबाद पर राज करेगा रे क्या बात है बहुत जबरदस्त माशाल्लाह जबरदस्त आपने आप आए इतना वक्त दिया और बहुत सारी आवाज़ें हमारे ऑडियंस को सुनाई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू देवर हैदराबादी सितारे की पूरी टीम को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा जो इस नाचिस को आप लोगों ने याद किया और आपके चैनल पर लाए और आपकी देखने वाली तमाम नाजरन को मेरा प्यार भरा सलाम आदा देखते रहिए हैदराबादी है सितारे के बिटानी के साथ और अपने चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाते रहिए अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए वैसे दावर साहब आपने बहुत सारे आवाज़ों की नखाली की है लेकिन आ, अमीन सयानी साहब की आवाज़ भी बहुत अच्छे अंदाज में आप प्रेजेंट करते हैं हो बहू वही अंदाज़ होता है तो वो आप ज़रूर सुनाएँ जी हाँ बिल्कुल आपके नाजरन के लिए अमीन सयानी साहब जो कि रेडियो सलन के एक बेहतरीन एंकर अनाउंसर थे पुराने दौर में काफ़ी सारे लोग उनके प्रोग्राम को रेडियो पर जब चलता था तो बहुत शौक से सुनते थे तो लीजिए अमीन से साहब बहन और भाइयों मैं हूं आपका आप दोस्त दावर मिस्टर के हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में जी, जी हाँ एक, एक, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको हैदराबाद के एक से बढ़कर एक फंकार कलाकार यहाँ पर आते हैं और आपका लगातार मनोरंजन करते हैं तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप देखते रहिए सियासत टीवी पर हैदराबादी है सितारे, सितारे मिस्टर के, 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 के साथ। वैसे दावर साहब आपने जितने भी आवाज इमिटेड की वो मेल थी अभी मैं चाहता हूँ कि काजुल दीपिका पादुकोण, <laughs> करीना कपूर या किसी की भी आवाज हमारे नाजरीन को जरूर सुनाए अरे आप क्या बोल रहे हैं साहब पूरे बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक बेहतरीन एक्ट्रेस की आवाज़ है जैसे कि हो गई आपकी दीपिका पादुकोण है श्रीदेवी है माधुरी दीक्षित है शिल्पा शेट्टी है, है पूरे हीरोनियों की निचोड़ के जो एक आवाज़ आती बेहतरीन सुरीली आवाज़ मखमली आवाज़ रेशमी आवाज़ वो सुनाता हूँ आपको और आपकी नाजरीन को ऐसा? घर बैठे बैठे ताली मारना हाँ क्या तो रहे के भी जानी का प्रोग्राम देख रहे घर के काम आप पूरे छोड़ दिए खाली टीवी देखते बैठे अम्मा ये लोग टीवी में तबाह हो गए बाबा तो मैं बोल रही हूँ सियासत टीवी पे हैदराबादी सितारे के भी जाने के साथ देखते रह और मेरे लिए ताली बजा जाने के लिए भी <laughs> <laughs> आखिर में यही आवाज आएगी पूरों की है ना पूरों का निचोड़ <laughs> <ये> <पूरे laughs> है, निचोड़ है। पूरे एक्ट्रेस आगे इसमें बराल <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया दावर साहब आप आए बहुत सारी आवाज़ें हमारे नाजरन को सुनाया बहुत अच्छा इंटरटेन किया थैंक यू वे मच बेहद शुक्रिया के बी जानी साहब और सियासत टी वी की हैदराबादी सितारे की पूरी टीम को मेरा प्यार भरा सलाम और आपका भी बेहद शुक्रिया और देखने वाली नाजरन को भी अल्लाह हाफिज़ तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आप अपने दोस्त और होस्ट के भी जाने को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़